नमस्कार भाई लोग, मैं माखनलाल फिर आज आपके सामने अपने स्टूडियो गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज से आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से आज फिर बात कर रहा हूँ। चूँकि अभी तक लगातार हमारी स्टूडियो सावन के सारे गीत रिलीज हो गए हैं, अब हम अन्य प्रकार के अलग अलग आपको गीत सुनाने और रिकॉर्डिंग करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच एक सिंगर आए हुए हैं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के ये सिंगर हैं। अब सोचिए, वहाँ से ये पहुँचे हैं यहाँ पर गाना गाने के लिए और बहुत बढ़िया इनका गाना आज रिकॉर्ड हुआ है। इनसे मैं परिचय कराऊंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि हमारी स्टूडियो जो गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आप इसको द्वारा भेजे गए गाना को अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। दो चैनल हमारे चल रहे हैं, एक गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एक सरजी फिल्म्स। आप दोनों में से किसी चैनल के माध्यम से आप हमें देख सकते हैं, आप हमारे स्टूडियो में लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, स्टूडियो के जो जितने इंटरव्यू होते हैं वो देख सकते हैं। स्टूडियो का जो जैसे ही गाना रिलीज होगा, सबसे पहले गाना आपके पास पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि स्टूडियो की जब इनॉग्रेशन हुआ था मार्च महीने में शिवरात्रि के बाद, तब से लगातार हम लोग लॉकडाउन का मार झेल रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉकडाउन में कमी आई है। हर जगह से सिंगर आ रहे हैं, सिंगरों के पास स्टूडियो का जो प्रचार प्रसार है पहुंच रहे हैं लगातार। भागलपुर से, आपके इधर बंगाल साइड से, राजमहल साइड से, कटिहार वगैरह से सिंगर आ रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। जितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे चैनल का, इससे निश्चित तौर पर हमारे स्टूडियो का भविष्य उज्जवल है और ये स्टूडियो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। इसके साथ और एक रिक्वेस्ट मैं करूँ कि जो आप हमें जहाँ से देख रहे हैं, जो भी इच्छुक हों, आपको लगता है कि आप गाना के क्षेत्र में, भोजपुरी गायन के क्षेत्र में, या फिर मगही के क्षेत्र में, या अंगिका के क्षेत्र में आप गाना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे स्टूडियो से एक बार, हमारे जो डायरेक्टर हैं सुमन जी, उनका नंबर, चूँकि ट्रेड इंक्वायरी के लिए स्टूडियो पर, स्टूडियो का जो है नंबर उसमें चलते रहता है, आप उनसे बात करिए और आके ज़रूर एक बार आप गाना गाइए। तो आज का जो सिंगर आए हुए हैं, छट्ठू यादव, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहीं पर कहीं पर किसी कंपनी में काम करते हैं। तो जैसे इनको स्टूडियो का पता चला, आज स्टूडियो में पहुंचे हैं और बहुत बढ़िया गाना गाए हैं। इनका गाना आपके बीच जाएगा, लेकिन इसके पहले हम चलते हैं और छट्ठू जी से ही बात करते हैं कि कैसे उनको इस स्टूडियो के बारे में जानकारी चली, कब से गाना वो गा रहे हैं और कहाँ से उनको गाना गाने का मन में विचार आया, और क्या कहेंगे अपने दर्शकों को जो उनको यूट्यूब चैनल पर इस स्टूडियो के माध्यम से देखेंगे, तो वो क्या अपने दर्शकों को कहेंगे। हम इसके लिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं आज का जो सिंगर आए हुए हैं छट्ठू यादव, उनके पास आपसे उनका परिचय कराता हूँ। चलिए छट्ठू यादव के पास चलते हैं। छट्ठू जी, आपको जो दर्शक इस चैनल के माध्यम से, गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से, यूट्यूब पर जो आपके जो दर्शक सुन रहे हैं, क्या कहेंगे अपने दर्शक? पहले तो जितना भोजपुरी सुनने वाले और जानने वाले हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं पैर छूकर। और मैं आज झारखंड साहबगंज ज़िले में महादेवगंज गंगाजल स्टूडियो में आए हुए हैं और अपने गाना रिकॉर्ड किया है सरसों। अच्छा छट्ठू भाई, आप ये बताइए, आप आए कहाँ से हैं, दर्शकों को एक बार बता दीजिए। हम गाजीपुर से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, दिलदार नगर एक छोटा सा बाज़ार है और पश्चिम दिलदार नगर से पश्चिम एक छोटा सा गांव भक्सी है, उसी वहीं के हम निवासी हैं। जो आपको आपके गाजीपुर या आपके गांव के लोग जो आपको यहां से इस गाना को देखेंगे, आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे छट्टू, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप यहाँ पर कहीं काम वगैरह करते हैं? मैं साबिर खान का एक प्लांट है, उसी में मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। ड्राइवर आप हैं? ड्राइवर है। साबिर खान का किस चीज़ का प्लांट है? ओ, गिट्टी बनता है। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि साहेबगंज जिला का जो महादेवगंज मिर्जा चौकी सकरी गली का जो एरिया है, ये माइनिंग के लिए जहाँ पर पत्थर का कार्य होता है और यहाँ का पत्थर पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है। एक चीज़ अपने दर्शकों को बताइए कि आपको इस स्टूडियो के बारे में कहाँ से पता चला? मैं यहीं चला रहा था तो एक दोस्त दीपक यादव ने हमको बोला कि महादेवगंज में गंगाजल स्टूडियो खुली हुई है,
तो मेरा भी थोड़ा मन हुआ कि चलो देख लेते हैं, गा लेते हैं कुछ। बहुत बढ़िया छोटू। अच्छा, कब से आप गाना गा रहे हैं? पहले भी कभी गाना गाए हैं? हाँ, पहले दो गाना गाए हैं। पहले दो गाना गाए आपके लिए गाया है। ज़रूर एक बार इस छट्टू के गाना को सुनिएगा और ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको कि छट्टू यादव जो ड्राइवर हैं इनका गाना कैसा लगा। और इसके पहले भी ये गाना गा चुके हैं तो इनके लिए बगल में ये स्टूडियो है, जहाँ पर जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर यह बगल में स्टूडियो है, तो बहुत आसानी से आ जाकर गाना गाए हैं। आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से गाना सुनाते रहेंगे। तो मैं अपने छट्टू जी के लिए फिर से एक बार निवेदन करूं कि ज़रूर एक बार इनके आप गाना को सुनेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि छट्टू जी का गाना कैसा लगा। और हम चलते हैं फिर अपने स्टूडियो को, जो हमारे डायरेक्टर साहब सुमन जी हैं उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आज जो छट्टू का जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारे डायरेक्टर साहब को कैसा लगा। सभी भोजपुरी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से सभी और सावन के पावन इस शुभ अवसर पर सभी को हर हर महादेव बोल रहे हैं। और हम जब आज इनका गाना हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो बहुत अच्छे लय में और बहुत अच्छे धुन में और मन में गा रहे थे। और ये जिस जगह से आए हैं ना, उस जगह के सिंगिंग लाइन बोलिए या तो गाना का भंडार बोलिए, वो वहाँ से उठ के यहाँ पर आए हुए हैं। एक छोटा सा एक महादेवगंज साहेबगंज एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, एक कोने में बसा हुआ है जहाँ की एक साइड में पहाड़ और एक साइड में गंगा मैया बहती हो। झारखंड का इस पावन धरती पर इन्होंने अपना आवाज़ को दिया है, पेश किया है और हम यही चाहेंगे कि दर्शक पूरा इनको सुने, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको पसंद। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब। पूरे हम अपने गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से आप अपने हमारे चैनल पर सुनने वाले सभी दर्शकों के लिए मैं अपने चैनल की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जाते जाते ज़रूर हम कहेंगे कि ये अभी आपके लिए छट्टू यादव का गाना रहा, सुनिए और आनंद लीजिए। फिर दूसरे वीडियो में और दूसरे गाना के साथ आपसे मिलते हैं। शुक्रिया। नमस्कार भोजपुरी सुनने वाला जाने वाला भैया लोग के पैर छोड़ के प्रणाम करके धरती से चल के ये प्लांट में काम कर रहे थे तो हमने सुना मेरे गांव में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमने इसको बोले हमने तो ये भी अपना प्रयास किया और आके आज गाना गाया है गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में।